हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय किचन शालूज लव बुक। और आज मैं आपके लेकर आई हूँ वड़ा पाव की तीखी चटनी। ये ड्राई कोकोनट गार्लिक चटनी होती है जो कि वड़ा पाव के साथ खाई जाती है। इसको बनाना बहुत आसान है। ये एक्चुअली महाराष्ट्रियन रेसिपी है। इसको आप अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट डालकर बना सकते हैं। बनाना इसको बहुत ईजी है, बहुत ही टेस्टी लगती है, ख़राब भी नहीं होती है। और आप इसको बनाकर कितने भी दिनों तक रखकर स्टोर कर सकते हैं। इसको बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी रेसिपीज़ आप बिल्कुल मिस ना करें। आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए होंगे 7 से 8 जवे लहसुन के, यानी कि गार्लिक के। आप अपने हिसाब से लहसुन बढ़ा भी सकते हैं। ये हमने लिया है सूखा नारियल, ये सूखा घिसा हुआ नारियल है, ये हमने लिया है लगभग 4 बड़े चम्मच। ये हमने कच्ची मूंगफली ली है, ये भी हमें चाहिए 4 बड़े चम्मच। इसको हम बाद में ड्राई रोस्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर सफ़ेद नमक का यूज़ किया है, आप अपने हिसाब से अपने स्वाद के अनुसार नमक ले सकते हैं। ये लाल मिर्च का पाउडर हमने लिया है, ये लगभग 2 बड़े चम्मच हमने लिया है। आप चाहें तो लाल मिर्च सूखी भी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये चटनी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स को ड्राई रोस्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम मूंगफली को ड्राई रोस्ट करेंगे। तो ये देखिए, पैन को गर्म हमने कर लिया, इसमें मैंने मूंगफली डाल दी है। इसको हम इसी तरीके से 2 से 3 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम हमें मीडियम रखनी है वरना हमारी मूंगफली जल जाएगी। तो अब हमारी मूंगफली बनकर भुनकर बिल्कुल रेडी है। इसको ये देखिए मैंने निकाल लिया है। आप चाहें तो छिलके भी थोड़े बहुत अलग कर सकते हैं और चाहें तो छिलके अलग ना करें। तो चलिए अब हम नारियल को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो देखिए पैन हमारा गर्म है, इसी पैन में हम डालेंगे नारियल। इसको भी हम धीमी आँच में ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जो नारियल है वो जलने ना पाए, वरना जो हमारी चटनी है पूरी स्पॉइल हो जाएगी, बहुत बुरा टेस्ट आ जाएगा उसका, जलने की महक आ जाएगी उसमें। तो ये देखिए अब हमने लिया है गार्लिक। तो जितना भी आप गार्लिक लेना चाहें अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है गार्लिक तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। तो देखिए इसको भी हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है 1 मिनट के लिए। ये हमारा गार्लिक ड्राई रोस्ट हो गया है। इसको हम निकाल लेंगे किसी प्लेट में और इसके हम छिलके अलग कर लेंगे। तो ये देखिए गार्लिक हमारा ठंडा हो गया था, हम इसके इस तरह से छिलके अलग कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से सारे जवे के हम छिलके अलग कर लेंगे। तो चलिए अब हम ये चटनी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक बड़ा सा बोल लिया है, इसमें हम सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें सूखा ड्राई रोस्ट किया हुआ नारियल। इसके बाद इसमें हम डालेंगे जो हमने मूंगफली भून कर रखी थी। तो ये देखिए मूंगफली अब हमने इसमें डाल दी है। मूंगफली डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। जैसे मैंने यहाँ पर लगभग 1 चम्मच नमक का यूज़ किया है। नमक डालने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं छिली हुई गार्लिक यानी कि लहसुन। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप लाल मिर्च का पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो आप सूखी लाल मिर्च ले सकते हैं, उसको आप ड्राई रोस्ट कर लें पैन में और उसके बाद उसका पाउडर बनाकर आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ों को हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। इसके बाद हम एक मिक्सी का जार लेंगे, मिक्सर ग्राइंडर का जार लेंगे और उसमें हम इन सारी चीज़ों को पल्स कर लेंगे। हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पीसना नहीं है, बस हमको इसको पल्स करना है, यानी कि कुछ सेकंड तक प्रेस करना है मिक्सी के बटन को और फिर छोड़ देना है। तो इस तरह से हम 3 से 4 बार करेंगे और बस एक कोट सा पाउडर हमें इसका बनाना है और हमारी चटनी बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी चटनी को पल्स कर लिया था, ये दरदरी पिसी है और हमारी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत अच्छी वड़ा पाव की चटनी बनकर तैयार हुई है। इसको आप सूखी नारियल की चटनी या फिर लहसुन की चटनी भी बोल सकते हैं। इसको आप वड़ा पाव में यूज़ करें, इवन इसके कई यूजेज हैं, मल्टीपल यूजेज में ये काम आती है। आप इसको बनाकर रख लें और जब भी आप खाना खाते हैं थोड़ा सा आप साइड में रख के इसको आप खा सकते हैं, ये बहुत अच्छी लगती है। आप चाहें तो इसको एयरटाइट कंटेनर में भरकर इसको फ्रिज में रख सकते हैं, बहुत महीनों तक ये चल जाती है, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये तीखी चटनी की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।